मैंने तो साफ कहा था शाहान भाई तो एंड टाइम पे डिमांड करते हैं। वो याद है मम्मी तो कैसे निकाह की रट लगा के बैठ गए थे। हाँ और याद है कैसे गले में हार डालकर स्टेज पर धरना देकर बैठ गए थे कि निकाह की हामी भरोगे तभी यहाँ से उठूंगा। सच्ची बात है, वैसे आइडिया बुरा नहीं था। निकाह तो हो चुका था, मिनाल भी रुखसत हो जाती तो हमें रोज रोज पाकिस्तान के चक्कर लगाने से तो फुर्सत मिल जाती। अरे ऐसे कैसे रुखसत कर देते? निकाह हो चुका सो हो चुका, लेकिन रुखसती के लिए तो बहुत सी तैयारियां करनी पड़ेंगी ना। छोड़ो यार, तैयारियों में क्या रखा है, वैसे भी जब लड़का लड़की राजी तो हम क्यों दीवार बने भाई। हाँ ये तो है। अरे अरे आओ मनाई, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। भाई बड़ी ज्यादती की तुमने शाहान के साथ, क्या था अगर रुखसती के लिए हामी भर देती? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा भाभी। इसका मतलब तो ये है कि राजी तुम भी थी। हाँ वैसे ना अब तो मैं भी मनाही से टिप्स लूंगी। कौन सी टिप्स भाभी? ये सब कौन सा जादू किया तुमने शाहान पर? देखा नहीं कैसा दीवाना हुआ फिरता है वो। उसका तो बस नहीं चल रहा था, तुम्हें जबरदस्ती रुखसत करवा के साथ ले जाता। अच्छा प्लीज मुझे भी वो मंत्र बता दो ताकि मैं भी तुम्हारे भाई को काबू में कर सकूं। चाय पियो? जी भाभी। मैं बना कर लाती। मैं ले आती हूँ। अम्मी। जी बेटा। हम कल शाहान ने आपसे रुखसती के बारे में कोई बात की थी? हाँ कई बार पूछ चुका। आप उसे ना कर दे। मैं भी रुखसती के लिए तैयार नहीं हूं। आखिर क्यों बेटा? इतनी मन्नतों मुरादों के बाद अल्लाह ने ये दिन दिखाया है तो फिर क्यों? अम्मी प्लीज। मिनाली कहीं कोई और? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर क्यों, क्या बात है? अम्मी मैं सिर्फ कुछ अरसे के लिए रुकने को कह रही हूँ, हमेशा के लिए इनकार करने को नहीं कह रही। शाहान बुरा ना मना चाहे, अरे वो तो बहुत जल्द रुखसती चाहता है। नहीं आप शाहान की फिक्र मत करें, शाहान से मैं बात कर लूंगी। प्लीज आप उसकी फिक्र ना करें। बीबी। हाँ आपको क्या लगता है, मिनाहिल शाहान भाई के साथ रहेगी या अलहदगी ले लेंगी? पागल हो गई हो क्या? अलहदगी लेनी होती तो इतने साल इंतजार क्यों करती? एक ही बात और थी, तब असवंत भाई भी तो नहीं थे। असवंत अब भी समझो नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकती? आपने खुद ही तो असवंत भाई को मिनाहिल के लिए पसंद किया था। उस वक्त बात और थी, शाहान उस वक्त नहीं था और मेरे मुंह में खाक। हमें से किसको पता था कि शाहान जिंदा भी है या? और वैसे भी एक मर्द के निकाह में होते हुए औरत दूसरे का सोचे, गुनाह है ये। ये गुनाह सवाब कौन से कानून में जो सिर्फ औरत पर ही लागू होते? समिया मेरा दिमाग मत खाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। और हाँ एक बात बता दूं, गलती से भी असवंत का जिक्र तुम शाहान के सामने नहीं करोगी। मर्द कितना भी खुले दिमाग का हो वो ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा नहीं बताती फिर आप लोग मिनाहिल के साथ ज्यादती कर। अरे क्या ज्यादती कर दी, लाखों में एक है शाहान मेरा, क्या कमी है उसमें? उसी लाखों में एक ने मिनाहिल को इंतजार करवाया, वो भी बगैर किसी मकसद के। बेटा उसकी मजबूरी थी, उसने जानबूझ के नहीं किया। ऐसी मजबूरी औरत को मुतबर क्यों नहीं बनाती बीबी? एक मिनट के लिए सोचो, अगर शाहान भाई की जगह मिनाहिल होती तो तब भी आप उनके हक में ऐसी दलील देती? अल्लाह ना करे, ये कैसी अहमकाना बातें कर रही हो तुम? और अपने भाई के मुतालिक तुम इस तरह गुफ्तगू करोगी, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? मुझे शाहान भाई की परवाह है, अगर मैं अच्छा मिनाहिल की जगह खुद को सोचती हूँ
तो मुझे बहुत तरस आता है। तुम्हारा दिमाग है ना, वो इस वक्त शैतान का घर है। किसी सही काम में अपने को मसरूफ रखो तो ये ख्याल नहीं आएंगे। जाओ, फोन बज रहा है, देखो कौन है। सलाम, जीती रहो। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। बेटा मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई थी, लेकिन तुमने ये कमरे की क्या हालत बना रखी है। वो मम्मी जी, हम लोग रात को डिनर पे से बहुत लेट आए थे तो मुझे समेटने का मौका ही नहीं मिला। तो तुम सुबह भी बहुत देर से उठती हो ना, वरना तो बहुत से काम सुबह ही समेट लिए जाते। खैर, मैं सकीना को भेज रही हूँ, तुम उसके साथ मिलकर कमरा ढंग से साफ कर लो। जना बेटा, मैं चाह रही थी कि क्यों ना तुम्हारे घर वालों को खाने पे इनवाइट कर लें, कैसा रहेगा? जैसे आपकी मर्जी मम्मी जी। चल तो फिर ठीक है, इसी हफ्ते बुलवा लेते हैं। इसी बहाने तुम्हारा खीर में भी हार डलवा देंगे। अच्छा है ना, सबका खाना हो जाएगा। जी तो तुम ज़रा मुझे अपनी अम्मी का नंबर मिला दो ताकि मैं उन्हें इन्वाइट कर लूँ। और इसफंद को तो अब्राहम भी इन्वाइट कर लेगा। इसफंद? असफन की फैमिली भी डिनर पर इनवाइटेड होगी क्या? साहिर है भाई, इब्राहिम का एक ही तो दोस्त है, और फिर नई नई रिश्तेदारी बनने जा रही है तो ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। ये आपको किसने कहा? क्या यही के मनाहिल और असफन की वजह से कोई नई रिश्तेदारी बनने जा रही है? इब्राहिम ही बता रहा था कि आयशा तो बाकायदा तौर पर रिश्ता लेके जाने वाली थी। ये तो शाहान से पहले की बात थी, अब तो शाहान वापस आ चुका है। और वैसे भी असफंद और उसकी बहन ने अपने जहन में कोई बात बिठा ली है तो उसकी जिम्मेदार हम नहीं हैं। अच्छा, मैं तो समझी। मुझे आपको कोई गलत फहमी हुई है। इसे भी मनाहिल शाहान से बहुत प्यार करती है, पर हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत ऐसी नहीं की है कि हम शादीशुदा होते हुए किसी और के मतलब सोचें। गुनाह है ये। खैर, मनाहिल ने जैसे हालात देखे हैं मेरे हिसाब से तो उसे बहुत पहले फैसला कर लेना चाहिए था। तुम कह रही हो तो ठीक ही कह रही होगी। अच्छा, अब जरा आके अपनी अम्मी का नंबर मिला दो ताकि मैं उनसे बात कर लूं। जी मम्मी जी। बीबी, हेलो। हाँ आदिला। वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा मैं बता दूंगी, बस नए दौर के बच्चे हैं, क्या कहा जा सकता है। नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, बस तुम फिक्र मत करो। हाफिज। क्या हुआ बीबी, परेशान लग रही हूँ। वो मनाहिल ने फिलहाल रुखसती से इनकार कर दिया है। क्या? अच्छा, तो मीटिंग कब तक खत्म होगी? ये तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, मैं वेट कर सकता हूँ? श्योर। चलें, मैं यहीं बैठ जाता हूँ।
ख्याल से आप सबने बहुत मेहनत कर ली, 24 घंटे का ब्रेक तो बनता है। थैंक गॉड सर आपने 24 घंटे का ब्रेक दे दिया, थैंक यू सर, मच अप्रिशिएटेड। हेलो आई होप मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड दैट्स गुड। मिस्टर अश्विन मुझे एक्चुअली मिनाहिल से कुछ बात करनी थी, अगर आप माइंड ना करें तो हम यहीं पे बात कर सकते हैं। या श्योर आई एम देयर। मिनाहिल सी यू टुमॉरो। या सो नाइस ऑफ यू सर। तुम्हें पता है मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, पूरे 1.5 घंटे से। मैंने आपको टेक्स्ट किया था ना कि अभी मीटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। तुमने रुखसती से इनकार क्यों किया है? मैंने इनकार नहीं किया, बस थोड़ा सा वक्त मांगा है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों? मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, एकदम से ये रुखसती का इशू खड़ा हो गया है, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही। 3 साल से तुम मेरे निकाह में, मेंटली प्रिपेयर होने के लिए ये टाइम कम है क्या? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये डिले मेरी वजह से हो। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? पता नहीं। क्या पता नहीं? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, हर बात का एक ही जवाब है, पता नहीं। आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं नहीं चला रहा, मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुनो, तुम्हें अंदाजा नहीं है मिनाहिल के 3 साल मैंने कितनी मुसीबतें झेली हैं। और ये बात सच है कि 3 साल में तुमने जितने मसाइब देखे हैं उसका मुझे अंदाजा नहीं है। हम दोनों एक जैसी कंडीशंस में थे। मिनाहिल, ट्रस्ट मी, मैं अब चाहता हूँ कि हम एक हो जाएं। हम कब तक ये जुदाई का अजाब सहेंगे? आपकी बात तो ठीक है शहान, लेकिन अगर मुझे वक्त चाहिए तो मैं क्या करूँ? नहीं मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मैंने जिन हालात का सामना किया तो तुम यकीन करो तुम उसका अंदाजा नहीं कर सकती। मुझे तो वापस आने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। जब खुदा ने एक और मौका दिया है, मैं अब इस बात से डर गया हूँ कि फिर कहीं कोई इत्तेफाक हम दोनों को एक दूसरे से अलग ना कर दे। बस इसीलिए इतनी जल्दी कर रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी, टेक योर टाइम। क्या है कि एकदम से तुम्हारा इनकार सुन के ना मेरे दिल की कैफियत अजीब सी हो गई, कंट्रोल नहीं कर सका, यहां आ गया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं चलता हूं। मैं अभी आपके साथ चलता हूं। हाँ आ जाओ, मैं पार्किंग में वेट कर रहा हूं, आ जाओ। हमारी शादी हुई है ना, मैं उंगलियों पे गिन के बता सकती हूँ, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि आपकी अम्मी ने मेरी शिकायत ना की हो। सन्ना, बात को भतंगड़ मत बनाओ। अम्मी ने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं लगाई, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जनाब को समझा दो कि जूली टेबल पे ना रखा गया। तुम्हें तो पता है ना घर में नौकर आते हैं और किसी की नीयत खराब होगी तो कितना मसला हो जाएगा। हाँ हाँ, ये शिकायत थोड़ी है, ये तो सिर्फ इतनी सी बात है कि जनाब लापरवाह है, नालायक है। अगर तुम उसे नहीं बताओगे तो वो सारी जिंदगी अकल से पैदल ही रहेगी। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, हम लोग डिनर के लिए लेट हो रहे हैं, चलें। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हारी अम्मी मेरी सोच से कहीं ज्यादा चालाक है, उनको बस एक मौका मिलना चाहिए मेरी पर्सनल लाइफ में और मेरी फैमिली के मामलों में दखल अंदाजी करने का। तमीज से बात करो जनाब, अम्मी ने तुम्हारी प्राइवेसी में कौन सी दखल अंदाजी कर दी जो तुम इतना इतराज हो रहे हैं? हाँ, इसे दखल अंदाजी करना थोड़ी कहते हैं, जब देखो उनकी जबान पे सिर्फ एक ही कलमा होता है, मिनाहिल की रुखसती कब होगी? बड़ी बहन की रुखसती हुई नहीं, छोटी बहन की शादी कर दी। अगर अम्मी ने एक मामूली सी बात पूछी तो उसमें इतनी क्यामत क्या आ गई? अगर ये इतनी ही मामूली बात है तो क्यों तुम्हारी अम्मी हर वक्त यही बात रिपीट करती रहती है, मिनाहिल की रुखसती ना होगी मेरे सर का अजाब हो गया। जनाब तुमसे ना बात करना फजूल है।
लेकिन शाहान ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? अजीब सी बात नहीं है? से मोहब्बत करता है शायद इसीलिए। एक तो ये तुम जैसी जो मशर की लड़कियां होती है ना, इनकी डिफॉल्ट सेटिंग में ही मसला होता है। दिल चाहे जल रहा हो लेकिन ना खुद शोर के बारे में कुछ कहती है और ना किसी और को बोलने देती है। नहीं तो प्लीज आप बताइए वो क्यों इतनी जल्दी मचा रही है? ये भी तो हो सकता है तुमसे शादी के बाद वो तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता हो। ना तुम पागल तो नहीं हो गई? मुझे जितनी प्रॉपर्टी का मालिक है ना, उसके सामने मेरा एक प्लॉट और अबू के दिए हुए कुछ शेयर्स कुछ भी नहीं है। देखा फिर से शोर के साइड ले ली ना? साइड नहीं ले रही, मुझे पता है उसके दिल में जो मेरे लिए मोहब्बत है ना, उसी की वजह से वो जल्दी कर रहा है। मुझे लगता है उसके दिल में ना एक डर सा बैठ गया कि शायद हम फिर से अलग ना हो जाए। बीबी वो जरा जमीनों के कागजात दे दे मुझे, मैं किसी वकील से कंसल्ट करूं। बेटा दो घड़ी बूढ़ी दादी के पास भी बैठ जाया करो, तुम तो पता नहीं कहां मसरूफ रहते हो। पहले ये जमीनों के कागजात और ये सारे मामलात निपटा लूं, फिर सारा वक्त बीबी के लिए होगा। तुमने बाहर क्यारी में फूल देखे कितने खूबसूरत लगे? हाँ देखे मैंने, अच्छे। सारी मनाहिल की मेहनत है। सच बताती हूँ मनाहिल ने इस हवेली को आकर घर बनाया है, वरना मैं और समिया तो इस उजाड़ वीराने में रहते थे। शाहान मैं कहती हूँ मनाहिल को अब बस जल्द इस घर में ले आओ। अब इन बूढ़ी आंखों में सिर्फ एक ख्वाब है कि तुम दोनों को इस घर में मैं हंसता बसता देखूं। बीबी मैं तो आज ही ले आऊं, लेकिन वो मनाहिल मैडम है, वो राजी हो तो ना। बीबी ऑनेस्टली मुझे तो लगता है कि मनाहिल को शायद कोई और पसंद आ गया। कैसी बातें कर रहे हो, मेरी मनाहिल ऐसी नहीं। जाओ जाकर दरवाजे पे देखो कौन है। मेरा ख्याल है मुझे मनाहिल को समझाना चाहिए, रुखसती में बिलावजा ताखिर सबके दिलों में शकूक डाल रही है। क्या हाल है शाह? मैं ठीक ठीक हूँ। ये हर बार तुम मुझे दरवाजे से भेज देते हो, मुझे शक हो रहा है कि तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। नहीं वो बात ये है कि मैं यहाँ पर सबरीना आंटी और आईना का जिक्र दीदी या किसी और के सामने करना नहीं चाहता, मैं इसलिए तुम्हें दरवाजे से ही वापस भेज देता हूँ। ठीक है मेरे हिस्से की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके पेपर्स मुझे दे दो या आना छोड़ दूंगा। देखो शान अगर मुझे जरा भी धोखा देने की कोशिश की तो ये बात बिल्कुल अपने जहन में रखना, मैं अगर वहां से तुम्हें जिंदा सलामत यहाँ ला सकता हूँ ना, तो तुम्हें यहाँ नुकसान भी पहुंचा सकता हूँ और तुम्हारे राज भी बता सकता हूँ। फिरोज ये बात बिल्कुल भी नहीं है। वो नहीं है तो फिर क्या बात है? देखो बात यह है कि मेरी गैर मौजूदगी में बीबी ने सारी प्रॉपर्टी सब ज़मीनें जो हैं वो मनाहिल के नाम कर दी। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है? उससे आराम से तुम ये प्रॉपर्टी अपने नाम भी करवा सकते हो और मेरे नाम भी, बीवी या तुम्हारी। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है ये, मेरी सिचुएशन को समझो, मैं अभी आया हूँ और फौरन से मैं प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं कर सकता। फौरन करो या रोक रोक के, मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं। इतनी बेतवारी क्यों है बेरोज तुम्हें? अगर भरोसा नहीं होता तो इतने आराम से हर बार नहीं चला जाता, क्योंकि तुम मुझे अच्छी तरीके से जानते हो कि वादा खिलाफी करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। चलता हूँ। ये बहरोज क्या करने आया था यहाँ? मिलने आया था मुझसे।
तुम्हारी कब से उससे इतनी दोस्ती हो गई कि वो तुमसे मिलने यहाँ आ गया? बीबी, अगर वो मुझसे मिलने आ ही गया था तो मैं क्या करता? दरवाजे से वापस भेज देता उसको कि मैं नहीं मिलना चाहता तुमसे? हद होती है। आप मुझे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स दें, मुझे जाना है लॉयर के पास, रात में देर हो जाएगी मुझे। क्या हुआ बीबी, परेशान लग रही है? आज बहरोज आया था शाहान से मिलने। बहरोज? बहरोज क्यों आया था? कहाँ तो शाहान से मिलने आया था। तो आपने पूछा नहीं शाहान भाई से? पूछा था, लेकिन उसने कोई सही जवाब ही नहीं दिया। वैसे ही इतने अरसे के बाद आया है, उसे बहरोज के करतूतों का क्या पता? तो बताएं ना, एक एक बात बताएं, तफसील से बताएं। बस अब चुप रहो, बहरोज ने माफी मांग तो ली थी। बड़ी माफी मांगी थी, ना होने के बराबर मांगी थी। सुनो, शाहान अभी आया है, मैं नहीं चाहती कोई बदमाशी पैदा हो, और अब जब हालात सही हो रहे हैं तो उन्हें दोबारा बिगाड़ने की क्या जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बावली हो गई है क्या? गिराएगी उसे? अगर खुशी को बावलापन कहते तो मैं बावली ठीक हूँ। कितने दिनों बाद आई? मैं, पता है ना कि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। तो आप कैसे मिल गई? मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भूल गई थी, वो लेने आई। क्यों अपने आप को इतना थकाती हो? अब तो शाहान भी आ गया है। बस छोड़ो ये नौकरी वोकरी, अब तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं। हाँ समय, प्लीज ऐसा करो मुझे एक अच्छी सी चाय बना दो। अच्छा, इतनी देर में मैं अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढ लेती हूं। ठीक है, मैं अभी बना। मेरे लिए ऑफिस से निकलना मुश्किल होता है, आपको पता है ना। मेरे लिए थोड़ा सा तो टाइम निकाल सकती हो। तो मैं सोची थी नौकरी छोड़ दूँ, बीबी भी कल यही कह रही थी मुझसे। क्या कह रही थी? कि आप वापस आ गए हैं तो अब मुझे जरूरत नहीं है काम करने की। हाँ जरूरत तो नहीं है, मगर तुम कंटिन्यू करना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शादी के बाद मैं तुम्हें नौकरी करने नहीं दूंगा। हाँ शायद मैं तुम्हें कंजर्वेटिव लगूँ, लेकिन भाई मैं ऐसे ही, मेरी बीवी पैसे कमाने के लिए बाहर जाए ये मेरी गैरत का पारा नहीं करेगी। नाहिल, नाहिल, सॉरी। भाई तबीयत ठीक है? जी ठीक हूँ। कुछ पूछ रहे थे आप? ये शेयर्स का पूछ रहा था, वो मेरा एक दोस्त है वो खरीदना चाह रहा है। मैं कहा तुमसे पूछ लूँ, ये प्रॉफिट लॉस का क्या चक्कर होता है? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, पैसे भाई मेरे शेयर्स के साथ डील करते हैं। अरे महीने के हर एंड पे कुछ प्रॉफिट करके रकम भेज देते हैं मुझे। हैरत तरह से अपने चीज का तुम्हें खुद हिसाब रखना चाहिए। और मुझे बीवी बता रही थी वो कोई प्लॉट भी है चाचा की तरफ से जो तुम्हें मिला था। जी डिफेंस आई थिंक फेज 8 में है, 800 गज का। मैं तो कहता हूँ सब कुछ बेच के ना किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, साल के साल प्रॉफिट आता रहेगा, और क्या चाहिए? जैसा मुनासिब समझें। क्या हाल है शान? उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, आओ 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 बैठो। नहीं बैठूंगा, मैं ऐसे यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने सोचा मिल लूँ। मुझे मनाल भाभी से भी एक छोटा सा काम था, मुझे असल में असफन साहब के बारे में पूछना था आपसे। है? ये असफन के बारे में मिनाइल से क्यों पूछना? असल में भाभी को उनके बारे में ज़्यादा मालूम होता है, क्योंकि ऑफिस में भी साथ होते हैं, बाहर भी साथ होते हैं, घर पे भी, और बीबी के घर पे भी उनका बहुत आना जाना है। अच्छा, नाहिल ने कभी मुझे बताया नहीं? और बहुत कुछ भी नहीं बताया होगा, आराम से तसल्ली से पूछ लूं। आप लोग लगाएं गपशप, चलता हूं। असफल के बारे में बहरोज क्या कह रहा था? पता नहीं, मुझे देर हो रही है, हम चलें। चलो।
मैं मम्मी जी की बातों का क्या जवाब दूं? सरनाब मेरी जान, बेटा हो सकता है तुम्हारी सास की बात का वो मतलब ना हो जो तुम समझ रही हो। अम्मी मैं कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं हूँ ना कि वो कुछ और कह रही है और मैं कुछ और समझ रही हूँ। और मनाहिल जब डिनर और लंचेस में जाती है तो भला रुखसती से क्यों इनकार कर रही है? अरे बेटा उसने इनकार नहीं किया, बस कुछ वक्त के लिए। अच्छा यूं समझो कि हमने रुखसती की डेट आगे बढ़ा दी। तो मम्मी उससे क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही हुई ना, कान यहाँ से पकड़ो या वहां से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? बस अभी कुछ देर पहले ही आई। तुम रो क्यों रही हो? इब्राहिम से लड़ाई तो नहीं हुई? अल्लाह ना करे मेरी इब्राहिम से लड़ाई हो, वो तो खुद मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। ये आंसू तो तुम्हारा दिया हुआ तोहफा है मेरी जिंदगी में। अब क्या कर दिया मैंने? सरनाब बस कर दो, क्यों एक मामूली बात को बेवजह तूल दे रही हो तुम? अम्मी आप हमेशा मुझे क्यों खामोश करवाती हैं? और ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना, कोई मुझे बताएगा भी कि हुआ क्या है? कुछ नहीं बेटा, सरनाब की सास तुम्हारी रुखसती का पूछ रही थी। सरनाब ने इब्राहिम से शिकायत लगा दी कि मेरे पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी ना करे, तो उसने इसको डांट दिया। इन शॉर्ट झगड़े की वजह मैं हूँ। मेरा ख्याल है जरनाब से ज्यादा तो ये मेरा पर्सनल मामला है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए तो वो मैं हूँ। अब तुम रुखसती से मना करोगी तो लोग तो सवाल करेंगे ही ना। पहले मुझे मम्मी की बात पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि वो सही तो कह रही है। अजीब बात है, कभी तुम्हारा रिश्ता होते होते रह जाता है मेरी वजह से, कभी तुम्हारी होने वाली दंत को मेरा कोई जूली सेट पसंद आ जाता है, और अब तुम्हारी सास को इस बात से ऑब्जेक्शन है कि मेरी रुखसती कब हो रही है। मुझे कभी कभी लगता है कि ऑब्जेक्शन तुम्हारे से वाबस्ता लोगों को नहीं है, तुम्हें है मेरे से। मुझे तुम्हारी बातों से क्यों ऑब्जेक्शन होने लगा? तुम अपनी हरकतें ठीक नहीं करोगी तो लोग तो ऑब्जेक्शन करेंगे ना। कौन सी हरकतें? ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, और प्रिटेंड भी मत करो कि तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कह रही हूँ। कौन सी हरकतें जनाब? आंखें निकाल कर किसी और को दिखाओ मनाहिल, ये अदाएं तुम्हारी असपंत को पसंद होंगी मुझे नहीं। ये असपंत का जिक्र कहां से आ गया बीच में? आप अपनी इस मासूम भोली भाली बेटी से पूछिए कि वो शाहान से निकाह में होते हुए असपंत से शादी के ख्वाब सजा रही है। क्या? हाँ देख रही थी मैं ख्वाब, क्यों ना देखूं? जब तुम गैर लड़कों के साथ दोस्ती कर सकती हो, इब्राहिम के लिए अपनी शादी तोड़ सकती हो, तो मैं शाहान की गैर मौजूदगी में किसी और के बारे में क्यों नहीं सोच सकती? क्या खुदा ने अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक सिर्फ तुम्हें दिया है? अपनी बकवास बंद करो मनाहिल, तुम्हारी बातों से मेरा सर फट रहा है। मैं सच बोलूं तो तुम्हारे सर में दर्द होता है, कभी गौर करना, जब तुम बोलती हो ना तो दूसरे के सर में दर्द नहीं होता, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अम्मी मैं जा रही हूँ, आती शाहान से आके मिलने, वो बाहर आया है। मनाहिल से तो मैं बात करूंगी, खबरदार जो तुमने दोबारा को तमाशा खड़ा किया। तमाशा तो मैं ऐसा खड़ा करूंगी कि मनाहिल की बच्ची सारी जिंदगी याद रखेगी। फैसल भाई नजर नहीं आ रहे? हाँ वो उनकी एक मीटिंग थी तो इसलिए आज लेट हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, और भाभी आप कब जा रही हैं वापस? इंशाल्लाह अगले महीने, और तब तक आप और मनाहिल भी अपनी रुखसती का फंक्शन रख लें तो क्या ही बात हो जाए। भाई जारा भाभी ये तो मेरी शादी वाले दिन ही मनाहिल को अपने साथ रुखसत करके ले जाते, पर मनाहिल माने तब ना। वैसे शाहान तुमसे एक लड़की नहीं मनाई जा रही। भाई बात ये है कि मैं एक नहीं 100 को मना लूं, मगर मेरे दिल में जो है वो सिर्फ मनाहिल है। वाह भाई, लेकिन तुम्हारे दिल में रहने वाली लड़की को कहीं कोई और रुखसत करके ना ले जाए, इससे पहले ही फंक्शंस कर लो। ऐसा एक्चुअली अभी जरनाब कोई पैदा ही नहीं हुआ, मिनाहिल को देखने के लिए भी मेरी लाश से गुजरना होगा किसी को भी। भाई वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी, पर जो आपके दिल में रहती है उसको अगर किसी से मोहब्बत हो गई तो ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इसमें अजीब सी क्या बात है भाभी, शाहान 3 साल तक यहाँ नहीं था, ऐसे में मनाहिल के दिल में किसी और की मोहब्बत पैदा होना एक नॉर्मल सी बात है। असल में ये कहना चाहती है कि आप लोग जल्दी से शादी कर ले ताकि ये अपने सारे जहेज के कपड़े पहनकर
आप लोगों का फंक्शन अटेंड कर सके. एग्जैक्टली, मैं यही चाह रही हूँ. और वैसे भी हमें भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना. निकाह में तो आप बच गए थे, लेकिन जब आपकी रुखसती होगी ना, आप अपनी इकलौती साली को बहुत सारी गिफ्ट्स देंगे. ओके, हाजिर जनाब, जो हुक्म. आप मेरी शादी के फंक्शन में थे, मंगनी के फंक्शन में तो आप थे ही नहीं. बरीरा भाभी, आप जरा एल्बम्स लेके आएगा, मैं शाहान को अपनी मंगनी की तस्वीरें दिखाती हूँ. मैं अभी लेकर आती हूँ. बल्कि मैंने सुना भी था कि रस्म वाले दिन ही तुम्हारी सास जो है वो बहुत तुम्हारे कोई वारी सदके जा रही. खैर, क्यों ना जाती, उनको बहू ही इतनी प्यारी जो मिली है. तुम्हारे कॉन्फिडेंस को सलाम करना चाहिए उसे. ये लीजिए, आप लोग तस्वीरें देखें. जरा तुम्हें मम्मी बुला रही, मैं भी जरा बच्चों को देख कर आती. ये अरे वाह, सो हैंडसम लाइक मी. वो है ही इतना हैंडसम. नाइस, ये देखिए. अच्छा लग रही है भाई. ये वाली देखिए, हम दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हुए कितने अच्छे लग रहे. ये असफन के यहाँ क्या कर रहा है? असफन वो इब्राहिम का बेस्ट फ्रेंड है और मनाहिल का भी तो बहुत अच्छा दोस्त है. मनाहिल ने आपको नहीं बताया? क्या बात है मामा, क्या सोच रही हैं? बस ऐसे कुछ सोच रही थी. मगर क्या निहाल, ये तुम्हें शाहान किस किस्म का इंसान लगता है? किस किस्म का इंसान पता नहीं, बट आई डोंट लाइक हिम. आई मीन, अच्छी खासी मनाहिल और असफन की शादी होने जा रही थी, पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया ये. आई डोंट लाइक हिम ईदर, लेकिन वो तो अलग मसला है ना. अगर वो अलग मसला है तो फिर आप किस मसले में उलझी हैं? ये देखो, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन